पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में बंटवारे की मांग को लेकर गुरुवार को सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में स्वीकृति कराकर लागू करने के लिए कार्मिक अनशन जारी रहा। प्रदेश व्यापी कार्मिक अनशन के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष राम प्रवेश राजभर ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे राजभर समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम है राम प्रवेश राजभर, मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ गोरखपुर का। हम लोगों की मांग है 27% आरक्षण में वर्गीकरण हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा और पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तत्काल कैबिनेट में पास करा के लागू की जाए ताकि पिछड़े जातियों के बेटा बेटी को आरक्षण का लाभ मिले और उनके भी बेटा बेटी आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, कलेक्टर, सिपाही दरोगा, बाबू, चपरासी बने, यही हम लोगों की मांग है। और आज चौथा दिन है, हम लोग नगर निगम लक्ष्मीबाई पार्क में कार्मिक अनशन कर रहे हैं, आज चौथा दिन है और जब तक हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का कार्मिक अनशन चलता रहेगा।